मुरादाबाद जीविका बचाओ आंदोलन द्वारा जोरदार प्रदर्शन कर ज्ञापन जिला अधिकारी मुरादाबाद को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि सदर कोतवाली पिछले काफी समय से फंड वालों के उत्पीड़न कर रही है। टाउन हॉल बुद्ध बाजार चौमुखा पुल स्वाभाविक बाजार है, जहां ठेले वाले पीढ़ी दर पीढ़ी अपना फंड लगाते आ रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। आज इसमें कोतवाली पुलिस मुरादाबाद के नारे लगाए जा रहा है, क्या वजह है जानना चाहिए? देखिए, पूरे शहर में जो पहले से यहाँ अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो गरीब ठेले फड़ वाले जिनकी पहले ही यहाँ का प्रशासन SEZ MDA आवास विकास और तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से जमीन छीन चुका है और उन लोगों को भूमिहीन कर दिया। आज वो गरीब मजदूर जिनकी कभी सैकड़ों बीघा जमीन हुआ करती थी, आज वो भूमिहीन हो गए हैं और ठेला फल लगा कर अपनी जीविका चला रहे हैं। सड़क के किनारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग अपना फल लगा रहे हैं, आज यहाँ का प्रशासन उनको उजाड़ रहा है। तो टाउन हॉल पर खासतौर से जो इस तरीके से कोतवाली पुलिस जब भी ये लोग अपना ठेला लगाते हैं, फल लगाते हैं, पुलिस पहुंच जाती है, इनका सामान जब्त करने की कोशिश करती है, इनको गालियां देती है और इन पर डंडे बरसाती है और इनको भत्ती भत्ती गालियां देकर वहां से डरा धमका कर भगा देती है। लगभग एक महीने से ज़्यादा हो गया, इनका कोई कारोबार नहीं चल रहा है। टाउन हॉल प्रस्तावित और स्वाभाविक यानी कि स्वाभाविक बाजार है, जिसमें लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ बाजार लगाते हुए आए हैं और कानून के तहत भी जो स्वाभाविक बाजार है, जिसमें लोग 50 साल से अधिक अपना फल या कारोबार करते हैं, उसको जो है पैतृक बाजार के रूप में घोषित करने का एक प्रावधान है। लेकिन यहाँ की पुलिस बलपूर्वक उनके साथ गुंडागर्दी कर रही है, उनके साथ तानाशाही कर रही है और किसी भी नियम कायदे कानून का पालन नहीं कर रही है, उनको उजाड़ रही है। हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इन कोतवाली पुलिस को समझाया जाए, इनको निर्देश दिया जाए कि जो गरीब लोग हैं जिनकी रोजी रोटी इसी के माध्यम से चलती है, उनको रोजी रोटी कमाने से जाए।